तो हेलो वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है तरुण कुमार और आप लोगों का फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए कमाल की ट्रिक लेके आया हूँ हर बार की तरह। तो अगर आप अपने फ़ोन को अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से कनेक्ट करके इंटरनेट यूज़ करते हैं, या तो आपके फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करके या फिर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में USB केबल कनेक्ट करके इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो जो अपना विंडोज़ 10 जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम करता है। तो जी हाँ, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, तो उस चीज़ का सोल्यूशन लेके आया हूँ आपके लिए मैं। तो मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में अपने मोबाइल के डेटा को सेव कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस और ट्रिक्स नहीं देखी है तो जाइए उन ट्रिक्स को देखिए ताकि आप उनका अच्छे से फायदा उठा सकें। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप पता लगा सकें कि किस तरीके से आपने डेस्कटॉप लैपटॉप में अपने इंटरनेट को सेव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में अपने मोबाइल की मदद से या अपने मोबाइल के डेटा की मदद से आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो विंडोज 10 जो है बहुत ज़्यादा इंटरनेट को कंज्यूम करता है। 3 तरीके बताऊंगा किस तरीके से अपने इंटरनेट को आप बचा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल से वो ट्रिक्स है। तो आपको फर्स्ट ट्रिक जो बताने जा रहा हूँ उसमें क्या है, आपको जैसे मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल को कनेक्ट कर रखा है अपने PC से, तो आपको इस आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है इस नेटवर्क में। तो नेटवर्क में जाने के बाद अगर आप वाईफाई से यूज़ करते हैं तो वाईफाई में भी आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जैसे कि मेरा यहाँ पर नेटवर्क 12 लिखा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो पब्लिक और प्राइवेट है तो आपको हमेशा प्राइवेट पर टिक होना चाहिए, इस मीटर्ड कनेक्शन को हमेशा ऑन रहना चाहिए। तो इससे आपका डेस्कटॉप जो है वो बहुत कम इंटरनेट कंज्यूम करेगा। अगर आप वाईफाई यूज़ करते हैं तो सेम वाईफाई के प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो यही विंडो ओपन हो जाएगी। तो उसमें भी आपको यहाँ पर प्राइवेट और मीटर्ड कनेक्शन को ऑन करना है। तो ये थी हमारी फर्स्ट ट्रिप। अब सेकंड ट्रिक जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल है। तो उसके लिए आपको आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में कंट्रोल शिफ्ट और स्किप को दबाना है। तो आप देखिए, जैसे मैंने दबाया तो प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद जैसे आप देख सकते हैं ये टास्क मैनेजर इसका ओपन हो चुका है। टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के आपको आइकन्स मिलेंगे या मतलब ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर सर्विस वाला ऑप्शन जो है आपको इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आपको देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। तो आपको यहाँ पर ओपन सर्विस पर क्लिक करना है। तो ओपन सर्विस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एक आपको विंडो वापस ओपन होगा। तो यहाँ पर ओपन होने के बाद आपको जो ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सर्च करना है विंडोज अपडेट्स का। तो यहाँ पर नीचे होगा, मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। तो देख सकते हैं ये रहा हमारा विंडोज़ अपडेट। जैसा आप देख सकते हैं विंडोज़ अपडेट यहाँ रनिंग आ रहा है। तो आपको यहाँ पर इस पर माउस का राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। जी यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज इसकी, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लेता हूँ मैं। प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके पास विंडो ओपन होगा। तो ये आपको यहाँ पर स्टार्टअप टाइप में ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको करना है इसको डिसेबल। डिसेबल करने के बाद देखिए यहाँ पर रनिंग आ रहा है, तो इसको आपको यहाँ स्टॉप पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉप होने लग गया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉप्ड लिखा हो रहा है, ये डिसेबल कर दिया और स्टॉप्ड कर दिया है। तो इसको मैं अप्लाई करके ओके कर दूंगा। तो मतलब आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप को जब भी अब इंटरनेट मिलेगा तो वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। अगर आपको जिस भी टाइम अपडेट करना है अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप को, उसी टाइम वापस आपको ये सब विंडोज़ खोलना है, वापस की प्रॉपर्टीज़ में जा करके आपको इसको डिसेबल से मैनुअल कर देना है और यहाँ पर स्टार्ट पर अप्लाई कर देना है। और यहाँ स्टार्ट लिखा हुआ आएगा देखे, तो आप इसको स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिएगा और आप फिर अपने विंडोज़ को वापस अपडेट कर सकेंगे। तो मैं इसको डिसेबल कर दे रहा हूँ वापस। देखिए आप इस ये इसको मैं स्टॉप कर दूंगा। यहाँ पर अप्लाई और ओके पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो ये था हमारा दूसरा ट्रिक। तो अब चलते हैं हमारे तीसरे ट्रिक की तरफ। तो ये ट्रिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर विंडोज़ पर जाना है, ठीक है। तो ये विंडोज़ पर जाने के बाद आपके पास ये वाला आइकन आएंगे। मैंने यहाँ पर इन आइकन्स को बहुत सारे आइकन्स को हटा दिया है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको इस पर मोर पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद लिखा हो रहा है, देखिए ये लिखा हो रहा है, तो इसको जो ये ऑफ है मतलब ये ऑफ करने को बोल रहा है इसको, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मतलब मैं वापस मोर पर जाऊँगा तो यहाँ पे ऑन का ऑप्शन आ गया है, तो मतलब ये ऑफ है, तो ये आपको ऑन करने को बोला था, आपको हमेशा इसको ऑफ रखना है। तो जैसे मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एज को भी ऑफ कर देता हूँ, तो देखिए ये ऑफ कर दिया मैंने इसको। अपने एक्सबॉक्स कंसोल को भी इसको मैं ऑफ कर दूंगा, तो यहाँ पर मैंने इसको भी ऑफ कर दिया। तो इस तरीके से आप इन आपके पास जितने भी आइकन है आपको उन सबका ये ऑफ कर देना है। तो ये थे हमारे 3 मेथड जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को बचा सकते हैं जब भी आपने PC को अपने मोबाइल से इंटरनेट दे रहे हो। तो दोस्तों, मुझे होप है आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा, और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, तो ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।